होंगे क्योंकि हमारे साथ अच्छा, जानना चाहूंगा आपने, आपने करियर में आ, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग भी की बैटिंग भी की लेकिन अभी तक आपने सिर्फ दो टेस्ट मैच खेले और बत्तीस के करीब इंटरनेशनल खेल चुके हैं आपको प्रेफर भी किया जाता है यू आर प्रिफर्ड प्लेयर फॉर दैट फॉर्म ऑफ गेम आपने सत्रह अठारह ट्वेंटी के मैच भी खेले उसके अलावा आई में भी आपने अपनी रंग जमाया अच्छा सबसे अच्छी जो इंपॉर्टेंट आपकी बात है वो ये है कि कई मरतबा मैच मैंने देखा है कि जब मैच फंसा होता है और क्रूशल स्टेज पर होता है उस टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते लोग कि यार ये बैटिंग में चल जाएगा आप बैटिंग में चल जाते हैं बॉलिंग में विकेट ले लेगा ले बॉलिंग में चल जाते हैं तो ये इसका क्या राज है आँ... लेकिन जो क्रुशल स्टेजेस पे परफॉर्मेंस की आप बात करें मेरे ख्याल में मैं थोड़ा मेंटली आप कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ थोड़ा टफ हूँ कभी अंडर प्रेशर नहीं होता अगर आप मेरा बिगनिंग से ही देखें स्टार्ट से ही मेरा कैरियर देखें तो जि, जिस तरह मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप था प्रेशर सिचुएशन तो जिस मैंने स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल में वहाँ पे मेरा जो मेंटल लेवल है वो मुझे काफ़ी हेल्प आउट करता है ऐसी सिचुएशन पे इसलिए मैं जब भी टीम को मेरी ऐसी स्टेजेस पे ज़रूरत पड़ी अलहमदुल्ला मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने परफॉर्म करके दिया आप आईपीएल को लें पाकिस्तान टीम के कई मैचेस बीच में से लें जहाँ पे जरूरत पड़ी तो मैंने परफॉर्म किया तो मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रेशर होता है, है। आपसे एक्सपेक्टेशन की जा जारी होती हैं तो वहाँ पे आप जाके परफॉर्म जब भी टीम पे इस तरह की पोजीशन में होती है कि जीत सकती है तो कोई ना कोई क्लेब्स हो जाता है बैटिंग ऑर्डर कैचेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं क्रुशल टाइम्स पे आखिरी ओवर में परफॉर्मेंस नहायत वीक होती है डिसीजन कुछ गलत होते हैं और वो ठीक है बाद में तो ये तो जो होना होता है वो तो अल्लाह की मजा होती है लेकिन एक इंसान को अफसोस ही होता है कि सब कुछ करने के बाद क्यों लूज कर दिया तो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि क्या हुआ है इन छः आठ महीनों में कि एकदम से पाकिस्तान टीम जिस चीज में फेमस थी वही टीम अब उल्टा करना शुरू हो गई है कि आखिरी ओवर की हमेशा से आप अगर देखें कि पाकिस्तान टीम डेथ के ओवर की वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है या आखिरी दस ओवर में बैटिंग करते हुए हमने सौ से एक्सपेक्टेड नाइन्टी हंड्रेड रन हमेशा से किए हैं बॉलिंग में हो तो इसी तरह वर्सफिंग जब शुरू होना होता था हम आके विकेट्स लेते थे लेकिन अब उल्टा होना शुरू हो गया अब लास्ट मैच में भी अब इंडिया के अगेंस्ट देखे हमने द, दस ओवर में साठ रन भी नहीं किए और हमारे पांच आउट भी हुए उसी तरह जब बॉलिंग में हमने 48 उनको चाहिए था 26 बॉल पे हमने वो करवा दिए तो फिनिशिंग अच्छी नहीं हो रही पर इसका रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा ये आईपीएल के एक में हाँ। सवाल टेक्निकल पूछा मुझे ये बताओ कि आईपीएल में आप प्लेयर्स के साथ खेलते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ दुनिया के डिफरेंट उसमें टीम को इस तरह की नहीं होती कि जी एक कैप्टन मतलब चेंज होते रहते हैं शेन वॉन के साथ आपने खेला क्या फ़र्क लगता है जब आप अपनी टीम के साथ खेलते हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की टीम के साथ खेलते हो किस तरह से वो परफॉर्मेंस आप में से निकालते हैं देखिए हर कैप्टन का अपना एक स्टाइल स्टाइल होता है बिल्कुल वो जिस तरह टीम को लेके चलता है या जिस तरह अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करता है मेरे ख्याल में किसी भी कैप्टन के लिए सबसे जो मेरी पर्सनली राय है सबसे ज़्यादा यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरह अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है उनको यूटिलाइज़ कैसे करता है और उनको मोटिवेट कैसे करता है क्योंकि कैप्टन या कोच का मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे आके प्लेयर्स को कुछ सिखाना बनता है या वो कुछ सिखा सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेल रहा होता है वो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुका होता है जो मेन फ़र्क चीज़ लाती है वो यही होती है कि अपने प्लेयर्स से किस तरह परफॉर्मेंस लेनी है।, है उनकी स्किल्स को उन

होते हैं और मेरे ख्याल में प्र... स्टार बनता ही फैन फैन से है आपकी फॉलोइंग तो आप 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 तो चीज़ के भी आते हैं फीमेल्स के भी आते हैं और तंग मैं नहीं पड़ता अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूं अच्छा रिस्पॉन्स दू क्योंकि आजकल के इस बिजी दौर में किसी के पास किसी के लिए इतना टाइम नहीं होता अगर कोई अपना टाइम निकाल के आपको फोन करता है तो उसमें आपको एग्जैक्टली तो, exactly, तो आप लोग के ही के। आपको स्टार बनाते हैं तो अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि अच्छा रिस्पॉन्स हर किसी को दूं अगर किसी का फोन आता है तो उसको अच्छे तरीके से सम टाइम ऐसा भी होता है कि क्योंकि हम भी इंसान हैं हम पे भी अच्छा बुरा टाइम होता है अच्छे बुरा मूड हम पे भी होता है तो बुरे मूड में भी होते हैं लेकिन फिर भी कोशिश होती है क्योंकि अगला बंदा नहीं समझ रहा होता उसको न, उसको अगर आप रूडली या कोई इस तरह की बात करना वो कहेंगे या देखो हाँ। सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है फिर हाँ। मैं ये पूछना चाहूंगा जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है पिछले कुछ साल डेढ़ साल से दो साल से बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी फंसी रही कोई ना कोई मसला जो है वो कभी वो बॉल चबाने का मसला तो कभी कोई कभी लड़ाइयाँ कभी जी टीम को इन्फ्लुंस किया जा रहा है कभी लॉबिंग हो गई है कभी टीम बाजी हो गई है फिर कुछ प्लेयर्स पे बैन भी लगा कुछ पे फाइन हुआ ये हुआ सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का आगाज ड्रेसिंग रूम से होता है ये मानना है और अक्सर यही चीज सामने आती है फारूक लैक ऑफ कम्युनिकेशन ओके जब आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे मतलब मुझे अगर आपकी कोई बात बुरी लगती है तो मैं अगर वो दिल में रख लेता हूँ तो वहां से फिर दूरिया और एक दूसरे करते हैं लकीली मैं पार्ट नहीं था जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई साल डेढ़ अगर आप कह रहे हैं तो साल डेढ़ से मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता ये मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जो रीज़न हो सकता है क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का मैं आ, मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह जब तक मैं शोर नहीं हूँ किसी बात के बारे में बात कर लूँ ऑनलाइन बात में जिम्मेदारी होती है एक तो मैं कोई बात ऐसी करना नहीं चाहूंगा मुझे नहीं पता क्या रीज़न था लेकिन जो मुझे लगता है शायद जो अगर किसी प्लेज में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो रीज़न यही था कि आपस में शायद कम्युनिकेशन नहीं हुई गलत फहमियाँ बढ़ती गई बढ़ती गईं और उसको मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को सॉल्व करवाना चाहिए था उनकी इतनी नज़र होनी चाहिए कि उनको नजर आ जाना चाहिए कि प्लेज में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं तो Uh, मेरे ख्याल में तो यही रीज़न हो सकता है अदरवाइज़ सब मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं हमें बिल्कुल आइडिया होता है कि लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशन है हमसे तो uh, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं जो कि इतनी कंट्रोवर्सीज़ का बनी मुझे ये बताएं सुहेल वैसे आप कैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं कुछ लोग होते हैं शर्मीले होते हैं तो बचपन से आप शर्मिले हैं या मतलब शरीफ बच्चे हैं अच्छा बच्चे आपको मैं शर्मिला लग रहा हूँ अच्छा तो नहीं मतलब कि मैं क्या कह सकती अच्छा 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 अभी तक आपको आइडिया नहीं हुआ तो नहीं

शर्मिला तो नहीं ऐसा कि कि तो कभी नहीं हुआ नहीं। मैंने में कभी मुझे याद है तो एक पीरियड किया, हाँ। किया था कंटीन में जाके छुप गया था क्योंकि डंडे पढ़ने थे उस दिन टेस्ट मुझे कुछ आता नहीं था मैथ्स का तो मैं वो एक पूरे दस साल में मैंने एक पीरियड बंक किया था उसके अलावा कभी नहीं और फिर कॉलेज में मैं कभी क्लास में नहीं बैठा लेकिन कभी थिएटर वगैरह में नहीं यही होता था के एक दो क्लासेस अच्छा, का का अब क्योंकि मुझे नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट लेना है किस्म का क्योंकि साल डेढ़ हो गया मैं टीम से बाहर हूँ अपने बेस को स्ट्रांग करूंगा इन टीम में वापस आके फिर शादी के बाद शरीर हयात में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक चीज क्योंकि जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि अगर लड़कियों के फ़ोन आए तो कोई मसला नहीं हो देखिए ये लाइफ का हिस्सा होता है एक स्टार की इसमें मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने इसलिए कहा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आ, क्योंकि ये हिस्सा होता है आपका आपको फोन बिल्कुल आते part हैं है ये बीइंग सेलिब्रिटी पार्ट तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दूसरा वो मेंटली इतना स्ट्रांग होनी चाहिए कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा जाके क्योंकि जैसे अभी मुझ पे थोड़ा बैड पैच चल रहा है जब पे आगे फिर क्योंकि अच्छा बुरा टाइम तो आता जाता रहता है तो, है तो वो मुझे सपोर्ट करे वो मुझसे अच्छा अच्छा फास्ट बॉलिंग क्योंकि सबसे डिफिकल्ट काम है क्रिकेट में टफ काम है क्योंकि बॉडी तो सबकी आपकी मेरी बॉडी के फंक्शन जो है वो एक जैसे जब हम इस पे एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं तो फिर मसल अच्छा मुझे सोहेल की सबसे बेस्ट पार्ट ये मैंने क्वालिटी कुछ होते हैं ना पूछो

Drop it,